आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। और आज एक इन्फॉर्मेशन भी है और एक मिस्टेक भी हुई थी सुबह की वीडियो में, उसको सुधारते हुए आज ही आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो सुबह की वीडियो में बताया था कि जो अपलोड हो रहे हैं डॉक्यूमेंट उसमें सबमिट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, तो उसकी मिस्टेक जो है वो हमें मालूम हो गया कि हमने सुबह मिस्टेक क्या की थी। तो उसके लिए आप सही से तहे दिल से माफ़ी कि हमारे जो प्रोसेस है उसमें थोड़ी मिस्टेक हुई थी, तो उसी गलती को सुधारते हुए ये वीडियो आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले देखिए आपको दिख रहे हैं कि इनमें से आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना क्या है, कंपलसरी है। हालांकि इस पर कोई रेड सर्कल नहीं बना हुआ, लेकिन फिर भी आप जब तक इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, हाउस टैक्स या पेइंग गैस रिसिप्ट, तब तक आप इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने के, तब तक आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीट नहीं माना जाएगा। और यही बच्चों को बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि क्योंकि इसमें रेड कलर का जो मार्क था वो मेंशन नहीं था। और यही गलती जो है हमारी टेक्निकल टीम कर रही थी जो इस फॉर्म को फिल कर रही थी, तो वो भी क्या कर रही थी कि जो रेड वाला सर्कल होता है उसको नज़रअंदाज करके बस फॉर्म को फिल करके रख दिया था कि माना कि अपलोड हो जाएगा। हमें लगा कि इसी तरह का इस बार JNU सॉफ्टवेयर बनाया, लेकिन फिर हमने थोड़ी सी तहकीकात की कि हमने थोड़ा सा पता किया तो पता चला कि इसमें आपको ज़रूर भरना है, भले ही इस पे क्या ना लगाओ, रेड सर्कल ना लगा हुआ, तो आपको इसमें ज़रूर डॉक्यूमेंट भरना है। और ध्यान रहे इसमें नीचे लिखा हुआ भी है, मैंडेट आएगा नीचे लिखा हुआ, मैं आपको अभी स्लाइड दिखाऊंगा कि जब तक आप इस बटन को यानी कि जो सबमिट वाला बटन है तब तक इस पर क्लिक ना करें जब तक आपको बिल्कुल संतुष्टि ना हो जाए कि हमने जो फॉर्म है वो बिल्कुल सही भरा है। क्योंकि अगर आपने एक बार इस पर क्लिक कर दिया तो फिर आप उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। आप देख भी रहोगे नीचे ये ग्रीन लाइन में जो लिखा हुआ है वो इसीलिए लिखा है कि आप इसमें फॉर्म फिल करने से पहले, कंप्लीट करने से पहले एक बार अपने डॉक्यूमेंट एक नहीं दो बार नहीं तीन बार चेक कर ले, क्योंकि बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसीलिए हमने अभी तक सबमिट नहीं किया था, और जब हमने सबमिट किया तो उसके बाद का अलग प्रोसेस आया, तो उसके बाद आपका सीट बुक हो गई है। तब तक आप सबमिट का बटन नहीं दबाएंगे तब तक आपका जो सीट है वो बुक नहीं होगी। तो जो बच्चे ने फॉर्म फिल कर दिया और सबमिट कर दिया और किसी की एडिटिंग हो रह रही है या किसी ने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो JNU की मेल पे मेल करे या उनके जो हेल्पलाइन नंबर है उन पे जाके कॉल करे, तो वह समस्या का समाधान तुरंत कर देंगे। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही से अपलोड हो जाए और सही सबमिट हो जाए, हम यही कामना करते हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी हमें कमेंट करके या व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। जल्द ही एक नया वीडियो आने वाला है क्वेश्चन पे ही, जो JNU ने नई गाइडलाइंस की थी कि अगर तो किसी के ऊपर डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं बन पा रहे तो उसका फॉर्मेट क्या होगा और एक्सटेंशन फॉर्म हमें किस तरह से अपलोड करना है, ये JNU ने कल नोटिस दिया था, उसी वीडियो पर काम चल रहा है, वो जल्द ही आपके सामने आने वाली है। तो चलिए फिर, आप अगर आपने अभी तक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं तो अभी आप आराम से करिए और सबमिट मत कीजिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट तब तक सबमिट ना करें जब तक आपको बिल्कुल संतुष्टि ना हो जाए। आप हमसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, JNU में भी कर सकते हैं, और JNU के जो अधिकारी हैं उन पर भी आप बात करिए। जब तक आपको संतुष्टि ना हो बिल्कुल भी, तब तक आप अपना डॉक्यूमेंट क्या है वो बिल्कुल भी सबमिट ना करें। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही किसी और वीडियो में जल्द ही, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने डॉक्यूमेंट को सही तरीके से अपलोड करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।